मी हनी, व्हाट्स अप गाइस, आप लोग कैसे हो मुझे जरूर बताना। सो आई एक्सेप्टेड 7 डेज चैलेंज विथ वाओ ब्लेमिश केयर सीरम। सो मैंने इस वाओ ब्लेमिश केयर सीरम को यूज करके देखा है 7 डेज, मुझे इसका क्या रिजल्ट मिला है, आपको इसको यूज करना चाहिए कि नहीं। मैंने कुछ फोटोज और पिक्चर्स भी ली हैं, वो भी मैं आज आपको शो करने वाली हूँ कि मुझे कैसा रिजल्ट मिला है। ये जो ओपिनियन है ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने फील करा है वो मैं आज आपके संग शेयर करने वाली हूँ। सो इन शॉर्ट मैं पहले आपको बता देती हूँ ये किस किस चीज़ के लिए ये सीरम यूज़ करा जाता है, इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है, फिर मैं जंप करूँगी हमारे 7 डेज चैलेंज पे। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, पिम्पल्स है, तब ये सीरम यूज़ करा जाता है। आपको ब्लेमिशेस है, स्पॉट्स रिड्यूस करने हैं, आपको कहीं कहीं मार्क्स है एक्ने के, ब्लेमिशेस के मार्क्स हैं, तो आपको उसको रिमूव करने के लिए सीरम यूज किया जाता है। और आपके पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए भी ये सीरम यूज किया जाता है। एंड ये ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए सुटेबल रहेगा ये सीरम। मेरी जहाँ तक बात करूँ तो मेरी स्किन टाइप जो है वो नॉर्मल टू ड्राई में आती है, तो मैंने इस सीरम को जब भी यूज़ करा है इसके ऊपर अच्छा खासा मॉइस्चराइज़र लगाया है। इसके इंग्रेडिएंट्स काफ़ी कमाल के हैं, इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है, इसके अंदर कैलामाइन है, तभी शायद इसका कलर थोड़ा पिंकिश काइंड ऑफ उसके जैसा है। इसके अंदर टी ट्री एसेंशियल ऑयल भी मिलाया गया है, काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स है। पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोच रहे होंगे कि मेरी एक्ने प्रोन स्किन तो है नहीं, तो जी हाँ, मेरी स्किन बिल्कुल भी एक्ने प्रोन नहीं है। लेकिन मैंने कुछ प्रोडक्ट, जैसे मैं रिव्यू करती हूँ तो काफ़ी प्रोडक्ट्स को ट्राई और टेस्ट करते रहती हूँ, तो कुछ प्रोडक्ट्स आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी दे देते हैं। तो मुझे मेरे चिन एरिया पे काफ़ी पिंपल्स हो गए थे, इवन फॉरहेड पे छोटे छोटे टाइनी बम्स आ जाते हैं ना, वैसे हो गए थे। तो मैंने इस सीरम को सोचा कि ये बेस्ट टाइम रहेगा कि मैं इसको ट्राई और टेस्ट भी कर लूँ 7 डेज का चैलेंज लेकर, कि मुझे कैसा रिजल्ट मिलता है, क्या ये मेरे पिम्पल एक्नेस को फेड डाउन करने में, डार्क स्पॉट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द वीडियो। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे जब मैंने इस सीरम को यूज़ करा तो मुझे मेरे फेस पिंपल्स पे इतना ज़्यादा एक्सट्रीम में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया, पर भी मैं इसे कंटिन्यू यूज़ करते रही। मैंने इस पे लिखा है ट्वाइस अ डे लगाना है, लेकिन मैंने सिर्फ इसे नाइट में ही यूज़ करा है, मॉर्निंग में मुझे लगाने का इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैंने इसको सिर्फ नाइट में यूज़ करा है। फिर उसके बाद फोर्थ फिफ्थ, मैंने इसको कम से कम 7 डेज से ज़्यादा यूज़ कर लिया है, आप ये सोच सकते हैं कि 8-10 डेज यूज़ कर लिया है। तब जाकर मुझे 7th-9th डे पे मुझे जाकर ऐसा लगा कि मेरे ना स्किन के ये जो पिंपल्स है ये ना ड्राई होने लग गई थी, इसके ऊपर एक फ्लेकी फ्लेकी पपड़ी सी भी आने लग गई थी, ड्राई ड्राई होने लगी थी, और काफ़ी हद तक इसने मेरे जो पिंपल को है वो अंदर बिठाया है, ड्राई किया है। डेफिनेटली ये आपके पिंपल प्रोन स्किन पे वर्क करता है, आपको पोर्स को मिनिमाइज करना है, स्पॉट्स, जहाँ तक स्पॉट्स रिडक्शन की बात करूँ इसको स्पॉट ब्लेमिशेस को रिड्यूस करता है। तो 7 डेज के अंदर इतना ड्रास्टिक चेंज कुछ नज़र नहीं आता है ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन अगर आप इसे कंटिन्यू यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपके ब्लेमिशेस को भी फेड डाउन करने में, डार्क स्पॉट्स और मार्क्स को, एक्ने मार्क्स जो रह जाते हैं उनको भी फेड डाउन करने में ये सीरम डेफिनेटली हेल्प करेगा, आपको उसको कंटिन्यू यूज करना रहे। इस सीरम की कंसिस्टेंसी की बात करूं तो पिंकिश कलर का है और लिक्विड ही है, बहुत ज्यादा थिक भी नहीं है, तो सीरम काइंड ऑफ भी है, क्रीम काइंड ऑफ भी है, लगाने पर आपकी स्किन को बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनाता है ये सीरम। अब अगर मैं इसके MRP की बात करूं तो इट्स जस्ट ₹499 है, जिसके अंदर आपको 50 ml मिल जाता है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है। मैं इस प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर आप टीनेजर हैं, अगर आप 18+ हैं, तब भी आप इस सीरम को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पैराबिन फ्री, SLS फ्री, क्रुएल्टी फ्री तो है, प्लस ये 98% इसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं, तो ये आपकी स्किन पे बिल्कुल भी हार्श नहीं रहेगा, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। 7 डेज चैलेंज एक्सेप्ट कर इस सीरम के संग मुझे काफ़ी मतलब सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिला है। और अगर मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, अगर आप इसको लॉन्ग रन के लिए यूज़ करेंगे तो ये आपके ब्लेमिशेस पे भी काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो किसी भी रीज़न से हेल्पफुल लगती है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।